नमामि धन्वन्तरि वादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरा दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण, और आपको लो आरु लो दो देखो नमो धन्वन्तरि वादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरा जलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट नमस्कार, आप सभी को आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैशाली मलवांडे जी, कुलभ सिंह राजपूत जी, अश्विनी अंगले जी, HS राय जी, पवन कुमार जी, दीपल लगाड़ जी, दिलीप लगाड़ जी, लक्ष्मी मौर्य जी, मुकेश साहू जी और अंशुल कुमार दत्ता जी, आप सभी का आयुष दर्पण के इस क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा सत्र में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग ये संभाषा का सत्र हमारे साथ जुड़ते हैं
और हमारे साथ अपनी क्लिनिकल चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं व्याधियों पर, और साथ साथ अपने अपने प्रैक्टिस में आ रही बहुत सारी चीजों को, सफलताओं को, या फिर कुछ भी आपको समझने में दिक्कत है उसको भी इस प्लेटफॉर्म पर आप डिस्कस करते हैं। आयुष दर्पण द्वारा इस संभाषा का संचालन पिछले एक वर्ष से अधिक समय से कोरोना काल से ही सफलतापूर्वक किया जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। हमारे डिजिटल ऐप पर पिछले संभाषाएं सारी आपको रिकॉर्ड मिल सकती हैं। इसके लिए आप आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे द्वारा मर्म और नाड़ी के विशेष सत्र चलाए जा रहे हैं। यदि आप इन सत्रों को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 9410379397 नंबर पर संपर्क करके आप हमसे नए उन ग्रुप्स का मीटिंग आईडी और पासवर्ड जहां आता है उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने नाड़ी जैसे विषय को पढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली प्रयास किया, और एक हम लोग बहुत जल्दी एक फॉर्मेट भी बनाने जा रहे हैं जिसमें हर वैद्य किस प्रकार से नाड़ी परीक्षा करे इसका बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा। पूरा एक नाड़ी का पत्रक हम बना रहे हैं, और हमारी एक बुक भी आ रही है नाड़ी की। अभी आपने देखा कि हाल ही में रिसर्च मेथोडोलॉजी गायनी पर दो किताबें, और फिलहाल एक नाड़ी पर किताब आनी तय है जिस पे काम चल रहा है। और आने वाले समय में हम आप सभी वैद्यों के लिए जो क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में आज तक जितने भी फॉर्मुलेशंस डिस्कस हुए हैं इसको भी हम लोग पेन डाउन करेंगे, और इसका भी एक कंपाइलेशन बुक के फॉर्म में आपको देंगे ताकि आपको भटकना ना पड़े। आपकी प्रैक्टिस में जो ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल जो आपके काम आए उन सबको हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे। तो जो भी काम होता है यहाँ आयुष दर्पण पे ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन के साथ होता है। कल भी आपने देखा कि एक बहुत अच्छी यहाँ पे एक संभाषा चली पूरे सुबह से शाम तक, जिसमें कि आहार द्रव्य वर्ग के बारे में द्रव्य गुण की पूरी हमारे वैद्यों ने, जिसमें अभी देख रहा था मैं उषा तभानी जी ने बहुत अच्छा, और वंदना मैडम का प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन थे आप देख सकते हैं। उसका एक पार्ट यूट्यूब पे डाल दिया गया है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं उसको, और दूसरा पार्ट हम जल्दी उसको यूट्यूब पे डाल देंगे। तो अभी हमारे इस सेशन के मॉडरेटर साहब अभी शायद लगता है कि उनका एक लेक्चर हो रहा होगा, तो अभी मोनिका जी और भी तमाम सारे लोग हैं, आप लोग अपने अपने केस डिस्कस करिए। मैं मोनिका जी को जूम का अभी होस्ट बना देता हूँ। मैडम मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, और आप जो है वैद्य जी को धारने पर उनको होस्ट बना दीजिएगा। जी मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? मोनिका जी मैंने आपको होस्ट बना दिया है, अभी सारे लोग म्यूटेड हैं, आप इनको फिलहाल अनम्यूट करके इनसे डिस्कस कर सकते हैं। जी धन्यवाद। जी सर प्रणाम सर। अभी अनम्यूट कर पा रहे हैं आप लोग क्या? यस मैम। जी अभी हम लोग केसेस डिस्कस करें क्या? कोई भी कुछ अपना सक्सेस स्टोरी अगर शेयर करना चाहते हैं, कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए। हेलो एचएस राय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं? हाँ मैम अनम्यूट हो। जी कोई केस डिस्कस करना चाहेंगे? उषा तबानी मैम आप कुछ बताना चाहेंगे? उषा तबानी मैम आप कुछ बताना चाहेंगे? डॉक्टर अश्विनी आपको एक केस डिस्कस करना चाहते हैं क्या? मैं मैंने सुबह एक ग्रुप में
नमस्कार मैम। नमस्कार उषा मैम, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया मैम। किसी और को भी कुछ पूछना है तो आप डिस्कस करो तो कुछ आंसर देंगे हम भी साथ में। नमस्ते मैम। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैम वो सुबह अभी आकांक्षा मैडम ने कुछ मेडिसिन के रेशियो के बारे में मैसेज में ग्रुप में मैसेज किया था मैम। वो रेशियो के बारे में गिलोय सत्व त्रिकट और सिस्ट हो तो किसी भी सिस्ट में यूट्राइन एनी प्रॉब्लम्स में यूज करते कर सकते हैं करके। हेलो जी मैम। हाँ जी मैम बताइए, फिर उसमें कुछ मैम वो क्लैरिफाई करना था मैम। हाँ मैम वो क्लैरिफाई करना था, वो शंख वटी है शंख भस्म है। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, असल में वहाँ पे लेक्चर हो रहा था ना तो मैंने आपको कुछ बना दिया है सर। जी आपका जी सर। क्या प्रश्न है अश्विनी जी? सर आज वो ग्रुप में डिस्कस हो रहा था कि एक यूट्राइन सिस्ट के लिए एक जनरल मेडिसिन है कॉम्बिनेशन है करके। जी एक तो पाठा त्रिकट और इंद्र है वो बताया था सर। सो कॉम्बिनेशन ये सारे ड्रग्स का सेम इक्वल प्रोपोर्शन ये जो है, अब देखिए दो चीज है, एक है ये ग्रंथिरज फॉर्मूला हमारे सर ने बनाया, पाठा इंद्रेव और त्रिकटु, तो इससे क्या होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अच्छा करने के साथ में हमें रज को बल देना है, मतलब वो अच्छा मेंसेज आए, तो इसीलिए वो शंख और क्या था शंख शतावरी और गुरुचि सत्व रजत सर का, और उसमें रजत भस्म भी डालते हैं, तो ये क्या करता है रज की क्वालिटी को अच्छा करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा रक्त धातु बनना, रक्त प्रसादन करना, वैसे रक्त का रज का प्रसादन करता है वो जो दूसरा द्रव्य है। ओके सर। सर वो कॉम्बिनेशन करना है तो इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन क्या है, एक ना स्त्रोतोरोजन संप्राप्ति को ठीक करता है जो पाठा त्रिकटु और इंद्रेव है, वो स्त्रोतोरोजन संप्राप्ति को ठीक करके एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अच्छा करता है, और एक ब्रीहण करता है मतलब बल देता है इसलिए। आप ना आप लोग इसका प्रयोग करिए, आपके इनफर्टिलिटी के पेशेंट या जिनको ना मेंसेस का प्रॉब्लम है सभी का मेंसेस अच्छा आएगा, 5 दिन खुल के आएगा, आप सभी लोग को ये दीजिए ये सारी चीजें, ठीक है। अश्विनी जी आपके भाई साहब कैसे हैं? अश्विनी जी आपके भाई साहब कैसे हैं? शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे। डॉक्टर कंचन जी आपके भाई साहब कैसे हैं? एक मिनट रुकिए मुझे अनम्यूट करने दीजिए। हेलो। हाँ जी कंचन जी आपके सर वो अनम्यूट नहीं हो रहा था सर। अभी हो रहा है? हाँ सर। हाँ अश्विनी जी आपके भाई साहब कैसे हैं पहले? हाँ सर ठीक है सर, वो मैंने बात करने के लिए भी बोला था सर कॉल। किसी को तक्र से अगर तकलीफ होती है क्योंकि कफ का काल चल रहा है, तो किसी को कफ बढ़ रहा है तक्र पीने से, तो उनको गन्ने का रस पिला दीजिए, तो वो भी यस सर ठीक है। और अश्विनी जी आप नशे में एक्सपर्ट हो गई हैं अभी है ना? बहुत खुशी। अभी सर मेरी बेटी को भी ये है सर स्पेक्स है, उसको भी रिफ्रैक्टिव एरर है, तो उसको भी मैं 3-3 ड्रॉप्स डाल रही हूँ सर। 3 ड्रॉप्स 101 बच्चों को डाल सकते हैं आप? पूरा बॉटल डाल सकते हैं? कितना डालूं सर उसको? 15 ml पूरा डाल सकते हैं? 15 ml डाल सकते हैं सर बच्चों को भी? क्यों नहीं डाल सकते हैं आप? डालिए, मैंने तो डाला है, मेरे पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। ओके सर ठीक है सर। हाँ, लेकिन वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, नहीं तो आप डालेंगे और वो पैं पैं रोने लगेंगे, तो ऐसा नहीं चाहिए। हाँ सर स्टार्टिंग में अभी थोड़ा उसको ये हुआ तो फिर मैं 10 ml से डालती हूँ सर, देखेंगे। जी जी ओके सर थैंक यू। कंचन जी आपके पेशेंट कैसे, आपके भाई कैसे हैं और पेशेंट कैसे हैं? कंचन जी जी सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम बताइए। काफी अच्छे है सर भाई और पेशेंट भी अच्छा है सर। भाई ने जो वीडियो भेजा था मैंने आपको भेजा था, आपने शायद ग्रुप में भी डाल दिया है। हाँ वो आप वो कंचन जी के भाई थे जो नाक में डाल रहे थे 30 ml एक साथ? नहीं सर 60 ml डाल रहे हैं वो अभी पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ। हाँ आपने 30 ml बोला ना? 30 ml हाँ हाँ 30 और 30 60 ml नहीं 60 नहीं 15 और 15 का ड्रॉपर है ना वो, तो 30 ml सुबह 30 ml शाम को ना? हाँ हाँ 30 ml सुबह 30 ml शाम को।
एक तरह से मात्रा बस्ती ही हो गया ना 60 ml पूरा दिन में। जी सर, और वो खुद डाल रहे हैं तो मैंने उनको बोला था वीडियो रिकॉर्ड करने, तो उन्होंने भेज दिया। तो काफी मतलब वो बोले कि मुझे सर ने ऐसे टेक्निक्स बताई थी ना वहाँ पे कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे हाथ से भी डालने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने मुझे मुझे बल्कि टिप्स बताई कि आप पेशेंट को बता सकते हैं, किसी के घर में होता है ना कि मस्त डालने के लिए कोई नहीं है। उन्होंने एक्चुअली मलेशिया जाना था, वो खुद अकेले जाने वाले थे, तो इसीलिए उन्होंने खुद का ट्राई किया कि मैं वहां पे जाने के बाद मुझे ऐसे नहीं हो कि कोई हेल्पिंग हैंड नहीं हो और मुझे डालना है तो फिर मैं डाल नहीं पाऊंगा, इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया सर यहाँ पे। और अभी चश्मा लगा के उनको तकलीफ हो रही है? हाँ, थोड़ा बोल रहे थे कि थोड़ा सा मुझे ब्लड लग रहा था, बोले चश्मे से वैसे देख रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने बोला धीरे धीरे शायद आपका पूरा चश्मा भी निकल जाएगा अभी। हाँ। फॉलो अच्छे से कर रहे हैं सर, डाइट वगैरह सब? आज तो कुछ तो भी तबेले जाके वो गाय वाला घी प्रॉपर लेके आए, मैंने बोला तो बोले नहीं कंपनी में नहीं बोल नहीं खाऊंगा बोले मैं। मैंने बोला ठीक है अच्छी बात है, मतलब अच्छे से मतलब मेन क्या होता है, पेशेंट अगर विश्वास करे ना तो हम जल्दी जल्दी ठीक कर दें, पेशेंट को विश्वास ही नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होता है ठीक करना। मतलब वो ऐसे है ना कि जैसे बोला ना आपने वैसे बिल्कुल 100% फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं वो। मतलब गाय का घी भी मुझे अच्छा ही चाहिए बिल्कुल, तो वो जाके तबेले में जाके वो प्रॉपर लेके आए सर, थोड़ा महंगा था बोले पर मैं लेके आया बोले, तो सर ने बोला अभी तो मैं करूंगा बोले पूरा वैसे के वैसे। मैंने बोला मेरे पेशेंट भी इतना अच्छे से फॉलो नहीं करते। आपने बहुत अच्छे से समझाया, मैं मुझे लग ही रहा था सर कि मैं यहाँ से बोलूंगी ना वो कुछ होने वाला नहीं, आपके पास भेजूंगी तो शायद अच्छा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी जी सर, थैंक यू सर। सो एक थैंक यू। पेशेंट था सर मुझे आज मुझे पूछना था, थोड़ा पेशेंट के बारे में पूछू मैं? पूछिए। सर एक मायस्थेनिया ग्रेनिस का ग्रेविस का फिश पेशेंट था सर, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। उसके मतलब सिम्टम्स देखे तो पूरे मतलब जैसे पहले 3 महीने से वो स्टीरोइड पे है। पहला सिम्टम्स उसमें आया था कि उसकी एक आंख छोटी होना स्टार्ट हो गई थी, मतलब कि उसकी आईलिड शायद उसको क्लोज कर रही थी ऐसे। और सेकंड सिम्टम था उसका कि वो बोल रहा था मेरा आवाज चेंज होना स्टार्ट हो गया था, सॉलो करने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी और थोड़ा हल्का हल्का वीकनेस लग रहा था। तो उन्होंने कुछ एलोपैथी मेडिसिन के लिए दिखाने गए वो, तो उनको स्टीरॉयड वगैरह स्टार्ट किया और वो डॉक्टर ने उनको डायग्नोस किया मायस्थेनिया ग्रेविस क्या रहता है करके। उसमें, कंपवत के सिम्टम होंगे और दूसरा नियोस्टिगमेंट का वो दवाई देते हैं, और फिर वो अमिताभ बच्चन को भी है, फिर वो ना नियोस्टिगमेंट का नहीं देंगे ना तो मसल्स एकदम स्टक हो जाते हैं, जैसे हाथ है वही उधर का उधर ही रहेगा, वो हाथ उठा नहीं सकते हैं, जी सारा सर, मतलब मैं आत्मक सब प्राप्ति रहती है और वायु का प्रकोप रहता है। हाँ मतलब मांसक्षय के लक्षण लग रहे थे मुझे सर, मतलब बाकी मुझे तो समझ में नहीं आया इतना, पर मुझे लग रहा था कि कोई मांस स्ट्रेस, इसमें स्ट्रेस कारण हुआ होगा, स्ट्रेस और वेगावरोध और ये वायु के प्रकोपक सब आ गया। ये तो बिल्कुल ऐसे ही आया कि स्ट्रेस फैक्टर था, बहुत ज्यादा चाय पीने की हिस्ट्री थी और शेयर मार्केट में काम करते हैं तो, और घर में थे अभी कोरोना पीरियड में, तो शायद वो स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा था और घर में बैठे बैठे काम कर रहे थे तो एक साथ वो कंप्यूटर पे ही काम चल रहा होगा उनका, तो वेग धारण का हिस्ट्री भी निकला सर। पर इसे मैं समझ नहीं पा रही थी तो मैंने उनको बोला कि रिपोर्ट्स लेके आए फिर देखते हैं। तो इसमें आप स्वर्णमालिनी वसन, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिए, आप इसमें ब्रीहन कार्य, पहले दीपन पाचन अनुलोमन करना है, फिर इसमें ब्रीहन कार्य करना है और मांस धातु पे काम करना है, तो इसमें मांस पाचक दे सकते हैं, अश्वगंधा दे सकते हैं, अश्वगंधा लेहम या मतलब जो ब्रीहन या गण है उसका प्रयोग कर सकते हैं, पल्ले और नस्य का और बस्ती का तो बहुत ज्यादा महत्व है, तो बलाश्वगंधा आदि तेल का बस्ती दीजिए, शीर बला तेल का बस्ती दीजिए, मुस्तादी यापन बस्ती दीजिए, फिर उसके बाद में अश्वगंधा लेहम 5-6 किलो खिला दीजिए 3-4 महीने में, उससे बल बढ़ेगा, मसल स्ट्रांग हो जाएंगे उनके, और स्वर्ण वाले नहीं वसंत बहुत अच्छा काम करता है, वसंत कल बहुत अच्छा काम करता है। जी सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बोलिए सर। षष्ठी सालिक स्वेद तो बता दो। हाँ वो रह गया, शाली षष्ठिक पिंड स्वेद, वो मांस जी धातु सर। को बल देता है। जी सर। माइस्थेनिया ग्रेवियस जो है ना वो आयुर्वेद ही ठीक कर सकता है, एलोपैथी में इलाज नहीं है, ये बिल्कुल। हमेशा। और आप जाके अमिताभ बच्चन को बोलिए कि हम ठीक कर सकते हैं, आपके मुंबई में रहते हैं वो, वहां पे जी सर, बताती हूँ। बोले कि हम आपको ठीक कर सकते हैं, आप क्यों नहीं आते हमारे पास? एक अमित जी तो है हमारे घर पे। सर जय मैम से तभी तो उनका शादी हुआ था, जय उनको प्रॉब्लम हुई, जय मैम उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेके गई, तो नहीं तो हेमा मालिनी से होना था उनका शादी। अच्छा
हाँ आपका बात सही है, ठीक है, थैंक यू आपका। एक डॉक्टर अंशुल कुमार दत्ता जी हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं यूके में, लेकिन ये हमारा हमेशा लेक्चर सुनते हैं। डॉक्टर नहीं है, अंशुल कुमार दत्ता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? आपने हैंड रेज किया है, अंशुल कुमार दत्ता जी, ये असल में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने हैंड रेज किया है, शायद बोल नहीं रहे। डॉक्टर मैग्निफिसेंट मुनीश शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हेलो, हाँ जी, एक मिनट, अंशुल जी पहले बोलेंगे फिर आप मैम बोलेंगे। अंशुल सॉरी जी, मैं सॉरी आप सर, अपने बारे में थोड़ा म्यूट नहीं बताइए। कर रहा था, एक मिनट। अंशुल जी को ना ना मैंने यूके में दवाई भेजा जी। अंशुल कुमार जी सर आप, मेरा वीडियो ऑन हो रहा है सर, आवाज आ रही वीडियो है? ऑन करना है, एक मिनट रुकिए, मैं वीडियो ऑन करता हूँ, रुकिए रुकिए, ये स्टॉप शेयर करके। आप अपने बारे में बताइए और आप आयुर्वेद से कैसे जुड़े ये बताइए। सर आयुर्वेद में मेरा काफी पहले से इंटरेस्ट था, काफी टाइम से इंटरेस्ट था, और बेसिक्स आप वीडियो तो ऑन करिए प्लीज अभी जी। जी सर, प्रणाम ये सभी कितने भाइयों हैंडसम को। है, और ये आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना जी सर, जी, और आप हमसे कब से जुड़े हैं? मैं आई थिंक पिछले 1 साल से, जब से स्टार्ट हुआ है तब से लकीली मेरे को कहीं से रेफरेंस मिला, और उसके बाद मेरे को वीडियोस वगैरह बहुत अच्छे लगे। तो पहले मेरा बेसिक कुछ वातपित कफ तक तो मेरे को नॉलेज थी, और जो वीडियोस में इंटरेस्ट बना उनसे नॉलेज का मेरे को अच्छा लगा, कुछ कुछ चीजें अच्छी लगी। तो तो क्यों, मतलब आयुर्वेद में क्यों, आप तो आपका तो फील्ड अलग है, आप तो साइंटिस्ट हैं, सर इंजीनियर मैं बेसिकली पिछले पिछले 15-20 साल से योगा वगैरह मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ, और मेरे को अच्छा लगता है, और बस यही है कि टाइम नहीं मिलता, तो आप क्या क्योंकि ट्रीटमेंट भी सीखते हैं हमसे कि केवल सुनते हैं हमारा? मैं सिर्फ सुनता हूँ सर। मैं ट्रीटमेंट तो नहीं सीखता, क्योंकि मेरे को मालूम है कि दिस इज ए वास्ट वास्ट फील्ड, और इस फील्ड में ऐसा है कि आप मतलब आधी नॉलेज जो है इट्स नॉट गुड इनफ, तो आप गलतियां भी कर सकते हो। बट हाँ, बेसिक चीजें, कुछ कुछ चीजें हैं जो हैं जो हार्मलेस हैं, जैसे आप तक्र की बात करते हो, या जो रूटीन है, जैसे आप जैसे गंडूश वगैरह है, ये सब तो हार्मलेस चीजें हैं, तो ये मैं अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ सर। जी, तो बताइए, अभी आप कुछ बताना चाहते थे? मैं सर आपसे कांटेक्ट किया था कि आप मेरी केस टेकिंग करेंगे, तो मेरे कुछ कुछ बेसिक इश्यूज हैं, ऐसे जितना बड़ा तो नहीं है बट फिर भी छोटी मोटी अरे, इनका चीज। केस टेकिंग कौन करेगा, मोनिका जी आप करेंगी या पूजा जी, उषा मैम, कोई करना चाहेंगे क्या केस टेकिंग सर का? डॉक्टर शशि सर तिवारी, मैं थोड़ा डिनर कर रही हूँ सर। हाँ आप करिए, आप डिनर कर रही हैं। डॉक्टर अंजना मैम आप करेंगी जी इनका? ये हमारे ग्रुप में बहुत दिन से हैं लेकिन ये बोलते कम हैं, ये हमारे जनवरी ग्रुप से ही है, 2021 से। अंजना मैम आप सुन रही हैं तो आप बोलिए, नहीं तो पूजा मैम, जी सर, प्रशांत भट्ट जी, कोई भी करिए। हाँ अंजना मैम आप करिए। नमस्कार सर, सभी अंजना लोग को मैम, नमस्कार। हाँ सर, हाँ सर, बताइए सर, क्या 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 हुआ, क्या है आपकी, तो आप तो वैसे भी अलग उसको बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आपका आयुर्वेद में इतना इंटरेस्ट है, ये सब जान के हम लोग को बहुत खुशी हुई। तो क्या प्रॉब्लम लग रहा है आपको, या किस तरह से आप डिस्कशन करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप बताइए हम लोग को। जी सर, जी मैम, थैंक यू मैम। मैम मेरे को बेसिकली वेट लॉस, मेरा वेट आई थिंक काफी कम है, बीएमआई के हिसाब से कम है, और मेरा बीपी लो रहता है। मेरे हाथ वगैरह काफी जल्दी ठंडे हो जाते हैं बाहर, जैसे ठंड में यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो कई बार तो ये वाला जो लास्ट रीजन है वाइट हो जाते हैं बिल्कुल। और ड्राई ड्राई स्किन रहती है, काफी ठंडे हाथ रहते हैं, शोल्डर यहाँ पे मेरे को पेन रहता है बीच में, तो वो तो मेरे को कंसेप्ट समझ में आ गया है कि क्यों रहता है लेक्चर सुन सुन के, बट स्टिल फिर भी हो जाता है। तो यही है मेन इश्यूज। बाकी रेस्टलेस ब्रेन है, रात को मेरे को वैसे नींद पड़ जाती है, नींद पड़ने में प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को 12 और 2:30-3 बजे के बीच में मेरी नींद खुल जाती है, और कई बार इमिडिएटली पड़ जाती है, कई बार मेरे को 2-2 घंटे भी लग जाते हैं। तो दैट्स वन टाइम व्हेन आई हैव स्टार्टेड हियरिंग यूट्यूब लेक्चर्स ऑन संभाषा और माधव निदान, और जो पुराने और भी काफी वीडियोस जो अरविंद सर पहले बनाते थे,
तो आई हैव ट्राइड टू यूटिलाइज दैट टाइम, बट हाँ मेरे को नींद की प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं फिर जल्दी उठना मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन मैं उठ नहीं पाता क्योंकि वो भी मैंने फिर सीखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि नींद भी जरूरी है, तो फिर मैं लेट उठता हूँ अगर रात को मेरा 2-3 घंटे ब्रेक हो। यही इश्यूज है। अभी आई साइट का भी हल्का सा थोड़ा सा हो रहा है, अभी तक तो मैंने मेंटेन रखा था बट वो भी एक इशू है। आपकी एज कितनी होगी? मेरी 48 है। आप कब से इंडिया छोड़े, कितने दिन हो गए आपको? मैं 2005 में आया था। तो ये जो प्रॉब्लम आपको लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, जैसे बताते, कब से ऐसा फील कर रहे हैं आप? ये अब तो 8-10 साल हो गए शायद, 2010 2009 10 2011। कितना वेट रहा होगा उस समय आपका और अभी कितना वेट है इस समय आपका? मेरा 62 kg के आसपास था मैम उस टाइम पे, 64-62 भी था, आज आई थिंक अभी 52 होगा शायद। 10 kg आपने लेस किया ना? जी 10 kg। उससे पहले यहाँ पे जो आपका एटमॉस्फेयर था या जो लाइफस्टाइल थी, वहां जाके काफी चेंज भी हुई होगी ना? इतना ऐसे जितना नहीं मैम, मतलब ओवर जो जो आपका हर किसी के साथ जो होता है, स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ, उसके जब जॉब में जाते हैं तो थोड़ा और ज्यादा सेडेंटरी हो जाता है, वो वहाँ पे भी था यहाँ पे भी, बट फिर भी मैं अपने आप को मेंटेन एक्टिव रखने की कोशिश करता हूँ। इवन आजकल भी हम वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे काफी हो गया है तो वी स्टिल मैनेज टू वॉक एट अराउंड 7-8 किलोमीटर हम वॉक कर लेते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, सुबह दोपहर और शाम। कितना टाइम देते हैं कंप्यूटर पर आप? 8-9 घंटे। अच्छा, मॉर्निंग आवर्स के में आपकी क्या दिनचर्या रहती है, आप कितने बजे उठ जाते हैं? मैम 7 बजे से पहले तो मैं हर हालत में उठ जाता हूँ, बट अगर मेरी नींद पूरी हो तो 5-5 बजे उठ जाता हूँ। फिर उसके बाद कुछ प्राणायाम वगैरह करते होंगे ना? उसके बाद मैं वॉक पे जाता हूँ, वापिस आके शावर लेके फिर मैं योगा करता हूँ थोड़ी बहुत। जी, डाइट में आपको क्या पसंद है, किस तरह का नाश्ता लेते हैं, ब्रेकफास्ट कैसा लेते हैं आप, नॉन वेज वेज? नॉन वेज मैं हालांकि बीच में खाता हूँ पर मेरे को पसंद नहीं है उतना, पर खाना मैं ज्यादा उतना खा नहीं पाता हूँ क्योंकि खाना खाने के बाद मेरे को भारीपन सा महसूस होता है, तो कई बार क्योंकि काम वगैरह की डिमांड भी ऐसी होती है कि आपको कंसंट्रेट करना है, और तो उसमें इसलिए मैं खाने थोड़ा लाइट रखता हूँ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अक्सर आप क्या लेते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह या कुछ और? सीरियल्स ले लेता हूँ मैम। अच्छा, और इसके अलावा आपको मीठा पसंद है कि आपको नमकीन? मीठा ज्यादा पसंद है मैम। मीठा आपको ज्यादा पसंद है, और आफ्टर ब्रेकफास्ट फिर आप बैठ जाते होंगे अपने काम पर? जी। और फिर वो लगातार कंटिन्यूशन में चलता होगा आपका? जी 2-3 घंटे बीच में जाता हूं। जी, उसके बाद आप लंच कब लेते हैं? लंच मेरा ऊपर नीचे होता है बेस्ड ऑन भूख, अगर भूख ना लगी हो तो फिर मैं नहीं लंच करता, जनरली लंच करके वॉक पे जाने का है, बट कई बार पहले वॉक पे चले जाते हैं हम, फिर आके कई बार 2-2.5 बजे 2:30-3 बजे तक लंच करता हूँ। जैसे उसमें क्या क्या होता है जनरली? उसमें वैसे मैं आजकल रोस्टेड वेजिटेबल्स खाने की कोशिश कर रहा हूँ, कई बार रोटी और बटर खा लेते हैं, कई बार दालों में मैं सिर्फ मूंग की दाल लेता हूँ पिछले 7-8 महीनों से, तो कई बार राइस और दाल, बस ऐसा सिंपल। बहुत लाइट, बहुत ज्यादा लाइट। तो आप हल्का नाश्ता लेते हैं, उसके बाद 3 बजे तक आपको अच्छे से भूख नहीं लगती है? नहीं लगती मैम। अच्छा, कभी नहीं लगी, कब से नहीं लगती, ऐसा कब से होने लगा? ऊपर नीचे कई बार लग जाती है, कई बार लग जाती है, बट उसके बाद फिर डिनर ही लेते हैं सीधे आप? उसका डिनर भी मैं कई बार मैं मतलब दूध प्रेफर करता हूँ लेना, लेकिन अगर डिनर ले लिया तो फिर दूध नहीं पी, मतलब दूध पीने लायक नहीं होता, तो इसलिए मैं आजकल मैं वो ले रहा हूँ जो सर ने बताया था, सुना था मैंने, वो मेरे को सूट भी कर रहा है, वो लाजा जो होता ना, ड्राई लाजामंड।
हाँ जी, ड्राई राइस लेके और फिर साथ में दूध पी लेता हूँ, और उसके या बाद जो है फिर जी, रात में भी थोड़ा बहुत बाग पे निकलते हैं कि आप रात में काम जी करके सो जी जी रात में शाम को वॉक पे जाते हैं, अगर खाना खाया हो तो खाना खा के, अदरवाइज वैसे ही वॉक। कुछ कभी बीच में आपने कभी कुछ स्मोकिंग वगैरह ड्रिंक वगैरह कभी कुछ लिया था पहले? कभी कभी नहीं मैम, नहीं, कभी नहीं लिया। फैमिली में और कौन कौन है आपके साथ वहां पर? कितने फैमिली है मैम, वाइफ है, दो बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं बच्चे, बिटिया मेरी 17 साल की है और बेटा जी? मेरा 12 साल का। जी, तो वो लोग भी तो डाइट वगैरह में क्या ले पसंद करते हैं? जैसे कुछ होता है ना बच्चों की, कुछ बच्चों की अपनी चॉइस होती है, तो वो खाना फिर आप कभी कभी बीच में उनके साथ नहीं ले पाते हैं, या ऐसा होता है कि नो, बीच में चाय मिल गई या कुछ इस तरह से पानी मिल गया, कितना आप लेते हैं? कुछ ना कुछ तो बीच में चलता रहता होगा ना, जब बच्चे लोग हैं कभी भी कुछ भी हो जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं मैम, मैं अध्याशन नहीं करता, वो तो अच्छा फॉर श्योर है अच्छा कि अगर मेरे को भूख नहीं है, क्योंकि फिर मेरे को बहुत उसका उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत होता है, और मैं कोशिश करता हूँ बच्चे भी ना करें, तो जैसे मैं शाम को इनको दूध दूध हम इकट्ठा पीते हैं जब भी पीते हैं, तो फिर मैं इनको बोलता हूँ कि डिनर तुम 4-5 बजे कर लो, ताकि आठ जी साढ़े 8 बजे दूध पी पाओ। इनका एक शब्द, अध्यसन नहीं करता हूँ, जी ये बहुत जी अच्छा लगा, अध्यसन नहीं जी करता। जी सर, आयुर्वेदिक वर्ड पूरा है। और हाँ अंजना मैम, इनका प्रकृति आपको क्या लग रहा है? इनकी 17 साल की बेटी है, तभी इनका प्रकृति क्या लगा आपको? हाँ हाँ सर, एक्चुअली बिल्कुल बहुत बात की सौम्य, प्रकृति, हाँ बात बहुत बात ही, प्रकृति, बात हाँ जी। सबसे अच्छा है कि मैं सर बहुत सौम्य है, हाँ और एक्चुअली थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि जो ये जहाँ पर ये इनका जो काल है जहाँ पे ये रह रहे हैं, और ये इंडिया से वहां शिफ्ट जरूर हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये देश काल के हिसाब से अपने आप को वहां पे उतने प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अग्नि मंद और गृहिणी दृष्टि इनको है, अग्नि मंद है और गृहिणी दृष्टि है, तो इसका मेन कारण इनका यही है कि इनको अपने पूरे जो इनका दिनचर्या और और रात्रिचर्या इसको थोड़ा सा इनको एक बार से वर्क करना पड़ेगा। जी घृत का सेवन कम कर रहे हैं, तो घृत हाँ ज्यादा चाहिए। और मोशन कितनी बार होता है सर आपको, एक बार कि दो बार? वो भी मेरे को इशू है मैम, जनरली हाँ क्रूर कोष्ठ है और हाँ इतने आराम से नहीं होता है, तो जी मतलब बंद के नहीं आता है मल। अच्छा, तो मतलब ये प्रॉब्लम भी वही चल रही है, इतने सब पुरानी चल रही है? जी मैम, ये शायद मेरे को ये प्रॉब्लम तो काफी टाइम से है, बचपन से ही जी है मेरे को, अच्छा, याद है ऐसा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर आपने? कभी कोष्ठ बद्धता कभी पतला ऐसा तो नहीं होता सर? सॉरी मैम, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन? नहीं इतना नहीं, गर्मियों में हाँ कई बार मैंने देखा है कि गर्मियों में अगर कुछ हो तो कई बार, बट जनरली जनरली ड्राइनेस और वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ को है। फ्रूट्स वगैरह कब ऐड करते हैं आप अपनी जी डाइट में? कुछ फ्रूट्स वगैरह लेते होंगे ना? फ्रूट्स मैं हाँ पसंद करता हूँ, जैसे मैं जूस ज्यादा ले रहा हूँ आजकल, क्योंकि फ्रूट भी मेरे को अग्निमान्दे में फ्रूट भी सूट नहीं कर पाता है, तो वो थोड़े ठंडे होते हैं, तो इसलिए, बट एप्पल मैं लेता हूँ, जैसे शाम को कई बार मैं सूप लेता हूँ, तो उसमें एप्पल और वो बीटरूट का सूप ले लेता हूँ, आप ऑरेंज ले लेता हूँ। फाइबर डाइट के नाम पर आप क्या ले रहे हैं? जैसे आपको लग रहा है कि हमने कोई डाइट इस तरह की ली जिसमें फाइबर डाइट है, तो आप जैसे आपने बटर ले लिया, बटर रोटी ले लिया, आपने सुबह थोड़ा सा जैसे आपने बताया हमने सुबह ले लिया, उसके बाद आपने डाइट खाने में भी कुछ, आपका कुछ बैलेंस डाइट, जैसे आप इतना अच्छे से इंटरेस्ट रखते हैं हमारे आयुर्वेद में और इतने दिनों से आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो कभी आपने इस बात को सोचा या लंघन क्या होता है, या फिर हमें बहुत अच्छे से भूख लग क्यों नहीं लग रही है तो एक दिन हम लंघन करके देखें, या कभी आपने अरविंद सर से या किसी से डिस्कस किया, या फिर कभी आपको लगा कि हम डाइट कैसे ले रहे हैं? इस पे भी आपको थोड़ा फोकस जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप पेशेंट नहीं है, आप सबसे अलग हैं, क्योंकि आप हम लोगों से 1 साल से जुड़े हैं और आप आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आपके अंदर कभी इस तरह की फीलिंग नहीं आई? आप इतने सारे लेक्चर्स लगातार सर से जुड़े हैं और सुन रहे हैं, हम मुझे लगता है अरविंद सर से भी आपकी बात जरूर हुई होगी, तो ऐसा क्यों नहीं सोचा आपने? नहीं, बहुत मेरी बहुत आई मेरी तो ऐसी बात अंजना नहीं में, है, मेरी अंजना में बात मैं, नमस्कार, हाँ जी मैम मेरी नमस्कार असल में नमस्कार। मेरी बात ऐसे नहीं हुई, इन्होंने हाइट का दवाई मंगवाया था, लाक्षा अच्छा घोल अच्छा मंगाया था, ऐसे बात नहीं हुई इनसे कभी। अच्छा अच्छा सर, अच्छा सर मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगी। और क्या बिल्कुल बात मैडम करनी है बोलिए। तेरे को, जी
देखिए कॉन्स्टिपेशन में बात प्रकृति में तो स्नेह मैं उसी में ही बोलना चाहती हूँ सर। हाँ उन वो जो शाम को एप्पल और क्या ले रहे हो सर आप, बीट ले रहे हो ना, एप्पल और बीट ले रहे हो ना शाम को? कभी कभी जी रेगुलर, क्योंकि सर आपका जो खाने का है ना वही चेंज करने की जरूरत है। एप्पल और बीट कभी कभी भी शाम को नहीं लेना चाहिए। आपको लेना है तो वो मॉर्निंग में, वो भी अकेला नहीं, क्योंकि एप्पल कॉन्स्टिपेशन करता है सर। तो आप लेना चाहते हो तो उसको सुबह में लो ठीक है, बट शाम को मत लीजिए। और बीट भी तो थोड़ा आपका खाने के मामले में ही आप बोलिए तो उसी में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। कि वात प्रकोप जो आपको जो भी बोल रहे हो, सब मैम ने जो आप पूछ रहे हो उसमें सब में ज्यादा वात प्रकोप वो भी आपके खाने के कारण ही मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो वो थोड़ा चेंजेस करिए। और लेट नाइट जगते हो या जो भी आपका काम वर्क कैसा है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए ठीक है, क्योंकि रुक्ष आहार भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा ही। और मुझे एक चीज पूछना है, इनको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो ये दवाई क्या लेते हैं पेट साफ करने के लिए? सर मैं ज्यादा दवाई तो नहीं लेता, मेनली इतना ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब रोज जाता हूँ, बट इट्स मोर टुवर्ड्स की डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाला। और उसमें मैं सर ये जो आपसे ही सुना था और ये सूट भी करता है मेरे को, इसका कैस्टर ऑयल शुंठी के साथ ले लेता हूँ, या फिर मैं जो ऋतु हरित की है वो आजकल मैं इसकी पिपली के साथ ले रहा हूँ, तो वो मैं मेरे लिए आप जो भी ले रहे हैं, लेकिन बॉडी आपका ड्राई है, इंटेस्टाइन भी ड्राई है आपका, जी, आपको जी। ना स्नेह पान या बस्ती लेना चाहिए। सर मैं बहुत घी, हाँ यहाँ वही घी में बहुत खाता हूँ सर। 100 ml तो रोज खाना चाहिए, तभी तो आप मेरे जैसे तंदुरुस्त दिखेंगे, थोड़ा हेल्दी दिखेंगे। प्रणाम सर। हाँ जी पवन जी आप बोलिए। मैं सर मैं कुछ पूछूं इन भैया से? पूछिए पूछिए। हेलो भैया। हाँ पवन सर, मैं आपके हमेशा कमेंट सुनता हूँ, बहुत बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, और प्लीज पूछिए मेरे से। अरे हाँ भैया, मैं आपको कुछ सिम्टम पूछता, जैसे आपको कोई सिर में दर्द, टांगों में दर्द, थकावट, घबराहट, बेचैनी, 3-4 दिन मूड ठीक रहता है, 3-4 दिन मूड खराब रहता है, पेट में भारीपन, ऐसा कुछ सिम्टम रहते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली सही बोला सर। जब काम कर मीठा वगैरह खाया हो तो मेरे को यहाँ पेन होती है शोल्डर्स में, ये वही अभी यही सीखा शायद खुन्यता यहाँ पे होगी। और काम करते जैसे काम करते रहते हो शरीर ठीक है, और एक बार लेट के फिर उठने का मन नहीं करता, गुस्सा ज्यादा? ये बात तो है कि 2-3 दिन मेरा मूड ठीक रहेगा, फिर बीच में थोड़ा मूड उतना अच्छा नहीं होगा, पर काम वगैरह करने के मामले में तो मैं एक्टिव ही रहता हूँ। मतलब जैसे काम करते रहते फिर तो ठीक है, जैसे चलना फिरना शुरू कर दिया फिर तो ठीक है, बैठ गया तो फिर उठने का मन नहीं करता, थकावट ज्यादा फील करता है। पाठक सर बताइए। जब मेरा इम्प्रेशन है सर इसको ना जबर की जबर है इसको, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर एंटेरिक फीवर है, और उसके ऊपर ही विशेष ध्यान दे तो फिर ज्यादा, जैसे एंटेरिक फीवर में हम इसका वात से रिलेटेड जो चिकित्सा करेंगे, और जिसमें स्वर्ण कल्प जैसे चलाए, स्वर्ण बसंत मालती और दीपन पाचन वगैरह स्टार्ट करके दीपन पाचन करेंगे, और क्लास शोधन करके भी कर सकते हैं, नहीं तो स्वर्ण बसंत मालती का जो कल्प है ना, ऐसा बताइए जो ये अभी वहां पे ग्रेट ब्रिटेन में लंदन में वो मेडिसिन यहाँ से चली जाएगी ना सर इंडिया से, तो ये शोधन कैसे करेंगे? शोधन लंघन करें ना, लंघन से ही हो जाएगा शोधन तो। हाँ हाँ ठीक है ना, उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, लंघन करे 7-8-10 दिन लंघन करे, उसके बाद फिर अपनी जबर की चिकित्सा ले, उसमें जैसे स्वर्ण बसंत मालती है, गिलोय सत है, परवाल पिष्टी है, ठीक है ना सर? ये मेरा मैं ऐसे सोचता हूँ। अंशुल जी आपको अंदर से बुखार टाइप भी लगता है क्या? अंदर से नहीं लगता सर, मेरे को तो ज्यादा ठंड ज्यादा महसूस होती है, बट अंदर से बुखार उसमें कैसे फील होगा सर, क्या फील होगा मेरे को? यही है सर, जैसे ना हम कहते हैं ना अस्थिगत जैसे फीवर चला जाता है, जैसे पहले रस धातु में आता है, फिर रक्त धातु में आता है, फिर मांस में, फिर अस्थि में, ये यहाँ तक मतलब वहां तक जबर की। अंजना मैम आपको ये फीवर जैसा लग रहा है क्या? मुझे फीवर का संप्राप्ति तो नहीं लग रहा है।
एंटरिक सर यहाँ पे मेन दृष्टि है, ग्रहणी की दृष्टि है, हाँ, और ग्रहणी दृष्टि, आम आम हाँ, जो और यहाँ पर धान है अग्निमंद है ना सर, तो ग्रहणी चाहे दृष्टि आप भी सर, जी, ग्रहणी दृष्टि है, ग्रहणी दृष्टि है पर यहाँ अग्निमंद है इनका, तो इनका स्पेसिफाई हमें यही करना है जी मैम, वो सर, ग्रहणी बोलिए। दृष्टि भी फीवर की ही वजह से, जैसे ना जैसे क्रोनिक फीवर हो जाता है तो उसमें भी ग्रहणी दृष्टि तो होता ही है, उसमें जैसे हाँ इंटेस्टाइन में पवन सर हो आप ठीक कह जाएगा। रहे हैं, पवन सर वो आंतरिक जड़ का मतलब ही है, जो अंतर का मतलब ही है, जो आंतरिक जड़ की बात करते हैं वो जो ग्रहणी की ही बात करते हैं, और वो जो ग्रहणी की दृष्टि है तो जरूरी नहीं होता है कि उसमें जो है फीवर लगे, लेकिन ये कि जो ग्रहणी दृष्टि का मतलब ही ये हुआ कि जो हमारी ग्रहणी कला है, पित्तधरा कला है, वो प्रॉपरली कार्य नहीं कर रही है, वो प्रॉपरली अब्जॉर्प्शन नहीं कर रही है, उसका सारा काम है ना अन्नादि ग्रहाति पचति विवेचति मुंचति, तो ना वो ग्रहण करने का उसका मन कर रहा है, ना वो पाचन कर पा रही है, ना वो विवेचन कर पा रही है, ना वो मुंचन कर पा रही है जो उसको प्रॉपरली करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पूरी जो ग्रहणी पित्त ग्रहणी धरा और कला अब इसे कहते ग्रहणी हैं बोले पित्तधरा ना, कला इसको पे, एंटरिक फीवर की तरफ मोड़ेंगे तो फिर वो चिकित्सा ही अलग हो जाएगी। नहीं सर वो उसको नहीं, हमें ग्रहणी दृष्टि पे वर्क करिए सर, तो आपका एंटरिक फीवर भी वहां से खत्म हो जाएगा, और मेन जो हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं तो हम आयुर्वेद की बात करते हैं, तो यहाँ हमें स्पेशली जो है वो आम अवस्था पे बात करनी है, जो ये बता रहे हैं जिस तरह से इनका पेन वगैरह इन्होंने स्टार्टिंग से बताया कि मुझे यहाँ पेन होता है, ऐसा फील होता है, तो जहाँ आम अवस्था ज्यादा होती है या जिस समय इनको इनका आहार उस तरह का होता है, जैसे अभी उषा मैडम ने बात की, उस समय इनको इस तरह की फीलिंग्स बढ़ जाती है, तो सबसे पहले तो इनको दीपन पाचन और हमें लंघन पे भी थोड़ा ध्यान देना है, हो सकता है ये पूरा लंघन ना कर पाए, तो उस तरह से इनको लघु आहार एकदम करके और इनको अच्छे से दीपन पाचन पे रखिएगा सर, आप बताइए इनको 15 दिन के लिए, देखिए एकदम इनको चेंज हो जाएगा, इनकी शोधन करना है, गृहिणी का शोधन प्रॉपरली हो, चाहे वो संक्षेपण चिकित्सा से ही हो, लेकिन इनको अगर गृहिणी इनकी दुष्ट रहेगी तो फिर इनको इसके अलावा हमें और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी बाद में, और मुझे वही लगता है कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी इनके होने चाहिए। जी सर बताइए जा, जी वही वही इन्होंने मैं जो पॉइंट, बोला अंगमर्द भी तो वायु की वजह से होता है, जो जी काम वायु है, आमयुक्त वायु जिस वजह से अंगमर्द हो रहा है। हाँ जी बोलिए सर, पवन सर बोलिए, जी सर मेरा बोलिए, पॉइंट आउट वही था मैम, हाँ मैं वही पॉइंट कर जी रहा था, जैसे जी ग्रहणी दोस्ती भी उसी की वजह से हुआ, पहले हमने ग्रहणी पे ही वर्क हो जाएगा, जैसे हमारा हाँ लंघन रहेगा इसका 10-15 दिन, 15 लंघन रहेगा, उससे जी अग्नि अग्नि बढ़ेगी, आम का पाचन होगा, स्रोतस शोधन होगा, उसके बाद फिर हम इसको ग्रहण की तरफ लेके जाएंगे, ठीक बिल्कुल सर बिल्कुल एकदम यही बात है कर ना। रहे हैं, हाँ हाँ मतलब पहले हाँ मेरा पॉइंट आउट वही था, मैं मतलब पूरा कंप्लीट पवन सर कर आप सब लूंगा। समझ रहे हैं, लेकिन एक बात हम लोग कोशिश यही करते हैं कि क्योंकि हम यहाँ पे आयुर्वेद के सब लोग वैद्य लोग हैं और आयुर्वेद के डॉक्टर से, तो हमारी जो दोष दूसरे समूचना है, हमारा हेतु रक्षण पूर्व रूप व्याधि, हम पूरा आयुर्वेद की भाषा में बात करेंगे तो हम लोग ज्यादा सफल भी रहेंगे और हम उससे बहुत अच्छी सी डायग्नोसिस बना के चिकित्सा भी कर पाएंगे, है ना, तो इसीलिए बस छोटी सी बात थी, तो और वैसे भी आप चाहे कान ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, क्योंकि आंतरिक जल की बात करिए चाहे ग्रहणी दृष्टि की बात करिए, तो कहीं ना कहीं उसके जो दृष्टि है वो दोष की दृष्टि और दोष दूसरे समूचना वहां भी हो ही रही है, तो उस दोष दूसरे समूचना का विघटन करने का हम लोग का सबका पहले कार्य है कि, और ये समूचना आज की नहीं है, थोड़ा सा इनकी समूचना जो है वो संप्राप्ति जो है वो पुरानी संप्राप्ति है, तो इसके विघटन करने में भी थोड़ा समय लगेगा, और जी इसमें मैम, जैसे कंफ आपने कर इसमें जैसे आपने बताया यही चिकित्सा होगी, तो अपने को आप ही बताइए चिकित्सा व्यवस्था कैसे होती है, फिर अरविंद सर बता देंगे, पहले आप ही मैम बताइए। आप आपने जो एक्सप्लेन कर ही दिया, उसमें सारा कुछ तो आ गया, लंघन आ गया, उसमें लंघन के बाद फिर विरेचन भी, इसको लंघन के बाद एक विरेचन भी करा सकते हैं, फिर उसके बाद जैसे कोष शोधन होगा, स्रोतो शोधन होगा, कम से कम 6-7 पहल, फिर ग्रहण चिकित्सा आ जाएगी, वो ये स्वर्ण कल्प भी आ जाएगा इसमें, उसमें ये सारा का सारा रिजोल्व हो जाएगा मैम। जी और सर अभी जो ग्रहणी दोष्टि की वजह से ही ज्यादा ये मल ज्यादा ड्राई, उसी वजह से हो रहा, वायु अमाशय में वायु ज्यादा है तो वो ड्राई कर देता सारा कुछ, ठीक है ना। उसके बाद ये जैसे उषा मैम एक बोल रहे हैं कि एरंड और शुंठी अवॉइड करना चाहिए, बार बार जो एरंड और शुंठी ले लेके आपका कोष्ठ जो है वो ना और ड्राई हो रहा है, हाँ तो वो स्नेहन आ जाएगा ना सर, उसके बाद लंघन के स्नेहन बाद नहीं होता सारा है, कुछ, एरंड तेल जो रहता है वो अंदर थोड़ा टिक के स्नेहन होता मात्रा मात्रा बस्ती देंगे ना, जब इसको पूरा कोष्ठ शोधन करके तो पूरा आंत्र आंत तो बल मिलेगा, ग्रहणी में इसको बेनिफिट है। हाँ रहेगा, बराबर और फिर इसको ग्रहण चिकित्सक से तभी इसको दवाइयां सारी काम करेगी। अब ये कुछ भी खाए
उसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, जो भी अगर ये तो कोई भी वो स्नेहन करने के लिए नहीं है, वो विरेचन ही है द्रव्य, वो क्योंकि सार के सार के विभाजन सही तरह से होता नहीं है ना, तो में एब्जॉर्प्शन तो होता ही नहीं है। मैं इसमें बताना चाहूंगी, एरन के साथ सूंठी किसी को सूट नहीं करता है, एरन का लेने का तरीका भी अलग अलग रहता है, कभी दूध के साथ देते हैं हम, कभी रात में बोलते हो पेशेंट को, मगर ये पेशेंट को सूंठी के साथ नहीं देना चाहिए। मैंने जितना भी इनका हिस्ट्री सुना ना, उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ और मेरा खुद का एक्सपीरियंस में भी बोल रही हूँ मैं कि सूंठी इनको अवॉइड करनी चाहिए। बस्ती से हिसाब से लेंगे तो कोई बात नहीं, और अकेला भी लेंगे ना तो भी इनको अभी कुछ चेंज करके देना चाहिए। और अंशुल जी आपके बाल कैसे हैं, रुक्ष हैं कि कैसे हैं? बाल मेरे ऑयली रहते हैं सर मेरे। अच्छा। को जनरली वैसे तो ग्रे हैं हेयर्स मेरे, ब्लैक नहीं है, मैंने कलर लगाया, पर वैसे मेरे हेयर्स मेरे को ऑयली साफ, मतलब सॉफ्ट वाले साबुन नहीं, मेरे को वो सिट्रिक वाला साबुन चाहिए जो थोड़ा सा ऑयल निकाले ताकि मेरे बाल। और दूसरा बात कि आपके हड्डियों से कट कट आवाज आती है, स्किन ड्राई है। हाँ देखिए टिपिकल वात प्रकृति दिख रहा है, टिपिकल वात वात कफ है सर इसका, कफ का है। आपके दोस्त कैसे होते हैं आप, मतलब 2 मिनट में दोस्ती करते फिर छोड़ देते हैं? अंशुल जी नहीं सर, दोस्ती में ज्यादा नहीं करता, पर जिनके साथ है उनके साथ बहुत अच्छी है और लंबे टाइम तक है जी। बट ऐसा नहीं है कि I'm not very social. आप लोगों को बाकी लोगों को कैसा लग रहा है प्रकृति इनका? अरविंद सक्सेना सर आप बताइए कृपया, सक्सेना सर, श्रुति निगम मैम आप बताइए इनका प्रकृति क्या लग रहा है? सर मैं भी अभी ज्वाइन की थी, मुझे भी बात का फर्जी लग रहा है इनका। अच्छा। और मुझे जो लग रहा है कि मतलब मैंने ज्यादा नहीं सुना, बस ये सुना कि वो कभी मूड स्विंग्स होते हैं उनके और शायद कॉन्स्टिपेशन रहता है जी। और 70% बात है, 70% बात है, 30% कफ। अच्छा हाँ, पेन होता है क्या इनको? सर बिल्कुल होता है, शोल्डर्स में बैक साइड में पेन होता है। तो मुझे भी वाकई समझ में आ रहा है। और इनका जैसे बोलने का टोन है, जितना ये स्लो थोड़ा स्पीड में, या लक्षण थोड़े वाद जाने लग रहे हैं, और वो तो बाकी तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना है। और लेकिन शोल्डर में पेन होने का कारण है कि लैपटॉप में, लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, उसकी वजह से भी हो रहा होगा। हाँ वो बैठे भी रहते हैं ये भी है, और फिर कफ के अवरोध के कारण वात का वो जो उर्दू गति है वो भी कारण हो सकता है। बाकी इनका काम क्या है ये मुझे नहीं आईडिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लंदन में, बहुत बड़े। अच्छा 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 ओके, तो दीपन पाचन से ही शुरू करना चाहिए ऑब्वियसली, वो तो जो चल रहा है वही होना चाहिए। पंचकोला सा वगैरह या दशमूल घृत यदि कुछ रुक्षता वगैरह लग रही है। बाकी इनका मोशन की हिस्ट्री क्या है मुझे बहुत आइडिया नहीं है, मैं और सुनती हूँ फिर बोलती हूँ। ठीक है, ऐसे इन्होंने बता दिया। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है तो करिए, नहीं तो दूसरा केस लेते। एक चीज पूछनी थी सर लंघन के बारे में। हाँ जी, लंघन में सर मैंने कोशिश की है, जैसे खिचड़ी वगैरह भी मेरे को सूट नहीं करती क्योंकि वो शायद ठंडी होती है, तो मेरे को वो भी डाइजेस्ट नहीं होती जब मैं अगर खाली एसिड एसिड ज्यादा बनेगा, मुंह में पानी आएगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में खट्टे डकार ऐसा हो जाएगा ना खिचड़ी खाने से, भारीपन। आप खिचड़ी किस चीज की खाते हैं? राइस और तो वो लंग, वो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो लघु है? आप यदि चावल कैसे बनाते हैं तो खिचड़ी किस चीज, तो आप बोल रहे हैं ना कि मैं लघु करता हूँ तो मुझे सूट नहीं करती, तो ये लंघन कैसे हुआ फिर? मतलब आप पहले बताइए कि खिचड़ी की कौन से दाल राइस की बनाते हैं, फिर उसमें कितना घी डालते हैं, तड़का कैसा रहता है, डिपेंड करता है ना, मूंग दाल यूज करते हैं, अरहर दाल यूज करते हैं, फिर पता चलेगा। मतलब आप खिचड़ी बताइए लंगन में आपको यूज पीना है, केवल दाल का पानी पीना है और चावल का पानी पीना है और बाकी टाइम कुछ नहीं खाना है आपको, ऐसा लंगन? वो भी मूंग दाल का आहार नहीं, वो फिर क्या है, वो हैवी हो जाता है, आपको कुछ नहीं खाना है, भूखे रहना है। और जनरली हम लोग खिचड़ी खाते हैं ना रात में, जैसे घी भी डाल के और दही के साथ, और कभी कभी दाल राइस प्रॉपर उसमें बॉयल होते हैं, जैसे उसका माड़ भी नहीं निकाला, तो वो तो हैवी हो जाती है खिचड़ी, प्रॉपर खिचड़ी वो नहीं होती जी। बहुत बढ़िया, देखिए श्रुति मैम ने कितना बढ़िया आपको एक मेन पॉइंट पकड़ लिया कि वो लंघन नहीं है जी। जी ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है? सक्सेना सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं क्या? अरविंद सक्सेना सर बहुत इंटेलिजेंट है, डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर। सर अभी मेरे पास पेशेंट है तो मैं अभी थोड़ी देर में पास। ठीक है ठीक है, अनुरीता मैम आप बोलिए। या एक्चुअली इन्होंने अगर ये 12 आवर्स लंघन कर लिया ना तो भी उनको
बहुत अच्छा महसूस होगा। और थोड़ा सा जीरा और अजवाइन का पानी दिन में अगर वो लेते हैं, कोष्ण जल, तो ये डेली फॉर्मेट में ही करेगा, क्योंकि हम शोधन, इनको जो प्रॉपर शोधन है बस्ती है, शायद यूके यूके में कर लेंगे भी, बस भी या उन्हें ये भी पूछना था मुझे कि उनको मतलब जैसे बॉडी एक होता है वैसे कभी ये पेट में है, वो खाना ठहरा हुआ है, इट्स नॉट मूविंग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ में जो एक लाघो फील होता है, तो वो उनको ठहरा हुआ खाना लगता है क्या? बिकॉज ग्रहणी तो ग्रहणी में भी अगर इनका मतलब ग्रहणी दोष तो मेन है जैसे मैडम ने बताया वैसे, लेकिन इनके जो भी जैसे इन्होंने बताया कि मुझे खिचड़ी पाचन नहीं होती है, तो ये सारी चीज के लिए अगर ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म दीपन पाचन के साथ में कोष्ण जल, जीरा अजवाइन का सिद्ध जल और 12 घंटे का लंगन, मतलब रात के 7 से लेकर सुबह 7 तक कुछ नहीं खाना है, जो भी है वो सूर्यास्त के पहले खा के उसके बाद में जो भी 1 घंटे के बाद का वाटर वगैरह ले लिया उन्होंने, उसके बाद में रात के 7 से सुबह के 7 एक 7 दिन करके देखे, फिर उसके बाद में मेन लंगन पे आ जाए, ऐसे सिस्टमेटिकली ही करें। बाद में घृत पान कराना चाहिए। हाँ घृत पान, वही वही। सर मैं कुछ बोलूँ इस बारे में? हाँ सर बोलिए। सर इनको खाने के मध्य में घृत पान करा सकते हैं तो उसका समान वायु पे अच्छा काम रहेगा। घृत पीने से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जी सर, जी सर। टीवी की आवाज आ रही है सर, राय सर? हाँ जी। हाँ ठीक है डॉक्टर, अभी हम थैंक यू अंशुल जी, अभी हमें दूसरे लोग का केस टेकिंग करना है सर, तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूं बाद में? आप हमसे करिए, हम सबसे करिए, हम लोग सुबह भी मिलते हैं, क्योंकि फिर नए लोग दूसरे लोग भी हैंड रेज किए ना। नहीं, मैं बाद में आपसे कांटेक्ट करूं। हाँ जी जी, ठीक है ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें बहुत खुशी हुआ कि एक इंजीनियर होके, वो भी इतने बड़े इंजीनियर होके हमसे जुड़े हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर किरण नायक जी, डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। हाँ जी सर, आप मेरे मम्मी का हाल पूछते रहते हैं, तो आज मैं मम्मी से बात करवाना चाहती हूँ। आप करवाइए, मम्मी से बात करवाइए। हाँ जी सर, वो हमारे देश की मम्मी है। हाँ जी। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं? पवन जी आप कृपया इनसे पंजाबी में बोलिए ना प्लीज। पवन जी, इतना बढ़िया जी सर, पवन जी के बिना तो नहीं हो सकती। माजी सत श्री अकाल, पैरी पहने हैं। सुखी रहो, लंबी उम्र होए, भगवान आपका काम बहुत चढ़ती कला में लाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु मेहर करे तुम्हारे उत्ते। ठीक है जी। कैसी है माजी तबीयत तुहाडी हुण? पहले पहले नालों तो मैनूं चंगे लगदे पए हो, तुहाडी फेस दी ग्लो बढ़ गई है पहले नालों। हां जी डॉक्टर साहब, वो बात ये है कि कॉन्स्टिपेशन तो मेरी काफी ठीक है जी माजी, किसी किसी दिन जरा टाइम आगे पीछे हो जाता है, दिन में कभी कभी 2 बार भी मोशन या 3 बार, जिस दिन कुछ लंघन कर लेती हूँ उस दिन फर्क पड़ता है काफी जी। तो भारी खाना तो मुझे हजम नहीं होता। लंघन शब्द ये यूज करने लगी कि लंघन क्या होता है, इनको भी मालूम है मतलब सुबह के समय अगर मैंने चाय तो लेती हूँ 6:30 बजे 2 बिस्किट के साथ, उसके बाद 10 बजे मैं थोड़ा सा खाना लेती हूँ, 2 रोटियां, कोई सब्जी, थोड़ा सा दही, या उसके बाद लस्सी लेती हूँ 2 बार, चाय नहीं लेती दिन के समय कभी नहीं, दोपहर को छोड़ देती हूँ फिर खाना, फिर शाम को थोड़ी चाय 1 कप वगैरह लेती हूँ, तो रात का खाना अगर तो 7:30 के दरमियान 1 रोटी लेती हूँ कोई थोड़ी दाल सब्जी के साथ, तो बस कोई बहुत इससे ज्यादा नहीं। जिस दिन बच्चे कोई ऐसी चीज ले आए और वो ले लूं फिर गड़बड़ हो जाती है। अजय माजी तो आड़ी, करो बताओ बताओ दसो। बात ये है कि मेरे को
पहले भी बहुत समय से हाथों अंगुलियों में कंपन होती थी, लेकिन मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह ऐसे जैसे ये बाबा रामदेव की एक्सरसाइज जब शुरू हुई तो मैं कुछ कुछ कर लिया करती थी, जॉइंट्स वगैरह की कसरत। कभी होम्योपैथी लेती थी क्योंकि मेरे जॉइंट्स में पेन रहती थी, अंगुलियों में भी सूजन थी, कभी कलाइयों में ऐसे। तो बहुत देर मैंने होम्योपैथी ली। अब ये है कि वो कंपन नहीं जा रहा है मेरे, यानी हाथ उंगलियों के अलावा साइन नहीं मैं कर सकती थी कई देर से, बिगड़ गए मेरे सिग्नेचर। तो अब मुझे चलते फिरते ऐसे लगता है कि कुछ बॉडी की मतलब जो स्टेबिलिटी है कि स्ट्रेंथ है वो कम है, कुछ कंपन है, कमजोरी सी महसूस होती चलने से। अब सैर तो मैंने छोड़ दी, इनके पापा घर में ही चलती फिरती रहती हूँ। इनके पापा की बीमारी के वजह से ये मेरी एक्टिविटीज यहाँ बेटियों के पास आकर कम हो गई, घर में कभी कभी तो मैं काम कर लेती थी। ये है हालत, ये कंपन है ना जो मेरे शरीर में, इससे मुझे कमजोरी महसूस होने लगी है। नींदर सही आती है माजी? तो नींदर सही, नींदर अगर तो खुल जाए 1-1.5 बजे फिर मुश्किल लगती है, जाके 4 बजे लगती है, फिर भी मैं 6 बजे तो उठ ही जाती हूँ। बीच में लग जाती थी लेकिन जरा सी नींद डिस्टर्ब होने से फिर नहीं लगती, बड़ा फिर सिर भारी हो जाता है जी। ऐसे है सर। हेलो, हाँ बोलिए सर। सर वायु का चल गुण बढ़ा है सर, इनका रो मन वह स्रोत तक भी वो चला गया जिसकी वजह से वायु तो काफी कम हो गई है। नहीं नवजोत कौर मैम, आप इनको नस्य देती हैं क्या? हाँ जी सर, नस्य देती हूँ, दिन में 1 बार तो जरूर है, 2 बार कोशिश करती हूँ देने की, बट कई बार नहीं भी रेगुलर होता। कंट्रोल में आ रहा है लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ है, अभी इनको कंटिन्यू देना पड़ेगा। सर नस्य तो कंटिन्यू, चलो दो बार कर देती हूँ, होता भी है किसी किसी दिन तो, और मैं रेगुलर हो जाती हूँ उसमें। और तो बस्ती भी दीजिए, बस्ती। अच्छा सर, बस्ती का अगर कुछ और है ऑल्टरनेट तो बताइए, नहीं तो फिर तो देनी तो पड़ेगी। बस्ती से 8 दिन कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ है, बस्ती और देना है इनको। सर इनका दीपन पाचन और बढ़ाना चाहिए आई थिंक, मतलब जैसे ना इनको लिक्विड डाइट पे रखे, जैसे मूंग यूस दे दिया, मूंग का यूस दे दिया, चावल का वो मंड बिलेपी पे वगैरह जो बना के दे दिया, लंगन टाइप की पूरी डाइट, रोटी आई थिंक बंद कर देनी चाहिए इनकी 7-8 दिन के लिए, और फिर उसके बाद स्नेहन करे बस्ती और वो रेगुलर रखे तो मैं सोचता हूँ ज्यादा, और मनोवह स्रोत पे काम करे जी। हाँ जी सर, सर एक मानस मित्र वटिका वैसे दे रही हूँ मैं, 10 दिन हो गए सुबह शाम। और तो, पहले से कितना इम्प्रूवमेंट है? सर पहले से इम्प्रूवमेंट तो है, जैसे पहले तो ये होता था कई बार 2 दिन ही नहीं पेट साफ होता था, अब ये है डेली साफ हो रहा है, बस्ती बंद किए भी हफ्ते से ज्यादा तो हो ही गया तो पेट तो साफ हो रहा है। खुश है ना पहले से? तो खुश है ना? हाँ जी सर, वो भी लगता है, मतलब जब पेट साफ होता है तो बहुत खुश होते हैं सुबह, मतलब अगर भी हो जाए। मैम माग जी का चेहरा ना पहले से अच्छा लग रहा है, चमकता हुआ लग रहा है पहले से, पहले चेहरे में ज्यादा रुक्षता थी, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अब ये है मैं घी जबरदस्ती डालती हूँ दाल सब्जी में, वैसे खुद से नहीं डालते, कहते हैं नहीं डरते हैं नहीं डालना, बट वो मैं दे रही हूँ घी भी अब पहले से ज्यादा। माँ जी तुसी परवाह ना करा करो, जेड़ा है कि बंद कर देना, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस वो विदेशों की पढ़ते हैं, हमारा आयुर्वेद है ना, हम घी दूध से बने हैं, घी दूध पी के बड़े हुए हैं, तो हमें वही चीज सूट करेगी, बाहर के देशों में घी दूध का कल्चर नहीं है इसलिए वो हमारा भी बंद कर देते हैं जी। ठीक है ना, तुसी खाया करो, परवाह ना करो जी। थैंक यू डॉक्टर किरण नायक जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहती हैं क्या मैम किरण नायक जी?
जी सर प्रणाम सर। प्रणाम, आप जल्दी करिए क्योंकि हमारे पास एक सिंगर आए हैं जो गीत गाना चाहते हैं। जी सर। सर सर जो मैं ब्रेन हेमरेज से केस डिस्कस की थी सर, तो अभी तो अभी दवाई नहीं आई है सर, तो अभी कैस्टर ऑयल से वही नित्य विरेचन 5 ml सुंठी के साथ दे रही हूँ सर, तो उसको 3 बार मोशन हो रहा है, मतलब सॉलिड ही है लेकिन वीकनेस लग रहा है बोल रहे सर, इसलिए मैं डोज नहीं बढ़ाई हूँ, तो नॉर्मल अभी रहने कैस्टर ऑयल थोड़ा कम कर दीजिए, डोज हाफ कर दीजिए। 5 ml दे रही हूँ सर, 5 ml। ठीक है, तो आप दीजिए, थोड़ा वीकनेस आ रहा है तो आप ये वसंत कल्प दे दीजिए, नहीं तो च्यवनप्राश दे दीजिए। अच्छा सर, ठीक है सर। सर वो दिव्य मुक्ता वट्टी और ब्राह्मी घृत भी स्टार्ट की हूँ, तो हालांकि मांस रस और यूश वगैरह मैं लिक्विड डाइट के लिए बताई हूँ सर, तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। जी सर, तो इसी को अभी कंटिन्यू करना है ना सर 10-15 दिन के लिए? हाँ करिए, आप करिए। जी ठीक है जी सर। अभी एक सिंगर आए हैं वो कुछ बोलना चाहते हैं, और मनीषा मान जी आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। डॉक्टर मनीषा जी। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सभी को। सर जी मुझे वो आम पाचक वटी के बारे में पूछना था, और विरेचक वटी जो मैंने मंगाया है ना, मैं बताऊंगा उसके बारे में बताऊंगा ये, क्योंकि सुनील जी बहुत दिन के बाद हैं तो ये कुछ गाना चाहते हैं, मैं मनीषा जी आपको बता दूंगा, चिंता मत। ओके 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 जी। सिंगर जी नमस्ते, सुनील जी ये नाम ले कुछ तो बताना चाहते है, इनका मैसेज आया कि मैं आज गाना चाहता हूँ। पवन जी। जी जी बहुत अच्छे है सर ये, मजा आ गया इनको देख के ही। जी तो ये कुछ गाएंगे जी। सुनील जी ऑडियो ऑडियो आपका ऑडियो बंद है। जी सर अभी अभी सर कैसा आ रही है? आ रही है बढ़िया वाली। आप सभी को प्रणाम। अभी पिछली बार मैंने कुछ थोड़ा बहुत सुनाने की इच्छा हुई थी, डॉक्टर साहब से मैंने गुजारिश की थी, तो इन्होंने उस मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। अभी आज फिर से मन मना तो मैंने फिर से डॉक्टर साहब को कॉल किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आने आके गाने का आशीर्वाद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी कोई पुराना गाना याद आ रहा है? आप भी हमारे यो ये जो संगीत है ना ये आयुर्वेद से ही हुआ है। जी सर ये थेरेपी भी है आयुर्वेद में, संगीत की थेरेपी, तो आप भी हमारे साथ एज ए मतलब हमारा परिवार का सदस्य हो, आप आते रहे आखिर। जी सर थैंक यू सो मच। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जीना सकते हमारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना सुना है, सुना हम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, दिन भी यहाँ तो लगे हैं
बरसों के समान हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते मगर जीने नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं चुप के सीने में कोई जैसे सदा देता है शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की ये सदा है उसी की ये अदा कहीं ये वो तो नहीं जब दी जले आना जब शाम जले संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार ना जब भी जले जब शाम जले मैं पलकन डगर बुहारूंगा मैं तेरी राह निहारूंगा मैं पलकन डगर बुहारूंगा मैं तेरी राह निहारूंगा मेरी प्रीत का काज तुम अपने नैनों में मले आना जब दिल जले आना जब शाम जले आना होश वालों को खबर क्या इश्क जिंदगी बेखुदी क्या चीज है होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है इश्क कीजे तुम समझी जिंदगी क्या चीज है
तुमसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की जादू जादू चीज़ है। घर से निकल के ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, कल सुबह देखा तो बाल बनाती हो खिड़की में आई नजर, घर से निकलते ही मासूम चेहरा नीचे निगाहें, भोली सी लड़की भोली अदाएं, ना सरा थी वो ना वो परी है, लेकिन उसकी जादूगरी है, दीवाना करते हो कुछ रंग भर दे हो, शर्मा के देख जिहे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका दिल, मेरी दहलीज से होकर बाहरें जब गुजरती है, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती हैं, हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना, बहुत आई गई मगर इस बात करो पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है, तुम आओगे मुझे मिलने खबर ये भी तुम लाना, बहुत आई दिया दे मगर इस बार तुम आना, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
सागर के बाहों में मौजे हैं जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत उतनी, तुम्हें यही चाहेंगे, तुम्हें यही चाहेंगे जब तक है दम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, दिल ही है के मानता नहीं, दिल है के मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस में महाबत ये जानता ओ, दिल है ये मानता नहीं, दिल है ये मान, ये बेकरारी क्यों हो रही है ये जानता नहीं, ओ दिल है ये मानता नहीं, दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा आपस आजा, हमदम मेरे हम नशीन जी। अंजना मैं आपको होस्ट बना दिया हूँ, मुझे जाना है, मेरे पेशेंट आए हैं, और आप लोग सुनिए इनका गाना, जब हो जाएगा तो आप बंद कर दीजिएगा सेशन। जी सर जी, मुझे जाना है अर्जेंट, ठीक है जी सर, टाइम भी हो गया है लगभग, जी सर सुना दीजिए जी। हेलो जी मैम, हाँ क्या हुआ सुनील सर, कहाँ चले गए सर, सुनाते सुनाते सुनाइए सर, है नहीं अभी शायद से, नहीं मैम शायद से नहीं है, लीव हो गया सर, लीव हो गया मैम सर इनका, हाँ जी हम लोग भी फिर लीव करें, बंद करें, एंड करें, 9:33 भी हो रहा टाइम है ना, टाइम भी हो रहा है, शुभ रात्रि सभी लोगों को, सभी लोगों को नमस्कार जी, शुभ रात्रि मैम, प्रणाम मैम, शुभ रात्रि, प्रणाम। प्रणाम सभी को,
नवजोत मैम आपको करना पड़ेगा बंद ये। नवजोत कौर मैम नवजोत कौर मैम आप सुन पा रहे हैं? मैम मोनिका मैम जी जी कंचे मैम उनको कॉल करते हैं शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं ना उनको कॉल करते बंद करने के लिए। हाँ, जी मैम वही नंबर ही ढूंढ रही थी मैम उनका। हाँ ठीक है जी मैम मिला आपको?